students. Well, in today's session we are going to learn about virus lytic cycle. Basically जो है viruses के spread होने का जो है दो तरीका होता है bacteriophages के. Bacteriophages actually वो specific type के virus हुए जो कि bacterias को infect करते हैं. ओके, prokaryotic cells जो होते हैं bacterias उनको वो infect करते हैं. तो ये दो तरह का जो है आपका तरीका होता है, एक होता है lytic cycle और दूसरा होता है lysinogenic cycle. lytic cycle को आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं. lysinogenic जो होता है वो डिफरेंट होता है. देखिए lytic cycle में क्या होता है कि वायरसेस जो हैं वो एक होस्ट सेल का यूज करती हैं जा और सारे वायरसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उसके बाद वो वायरसेस जो हैं वो सेल के बर्स्ट होने के बाद बाहर निकल जाती हैं. अब देखते हैं कैसे होता है. सो वेल, फर्स्ट स्टेज lytic bacteriophage जो है वायरस वो खुद को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करता है, जोड़ता है. वायरस जो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक प्रोटीन कैप्सिड है, यानी कि प्रोटीन का एक जो है कैप्सूल टाइप का बना हुआ है छोटा सा पैकेज जिसके अंदर की न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद है और फिर एक टेल सेक्शन हो गया. ओके, अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, तो वायरस जो है वो अपने न्यूक्लिक एसिड, वही जो DNA आपका हो गया ना, तो वो अपने न्यूक्लिक एसिड को सेल के अंदर रिलीज कर देता है. ओके, अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल के राइबोसोम का यूज करके अपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, यानी कि वायरस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाला जो है प्रोटीन तैयार करवाता है. और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल के DNA को ब्रेक कर देते हैं. तो यानी कि अब सेल का अपना ब्रेन नहीं रहा, अब वो किसके मुताबिक चल रहा है, वो वायरस ने जो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर इंजेक्ट किया उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अब ये सेल जो है वो काम कर रहा है. थर्ड स्टेज, वायरस कैप्सिड और टेल जो कि अब बाहर थे और जो यूजलेस हो चुके हैं, तो वो धीरे धीरे जो है सेल से डिटैच हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे और ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे क्योंकि इनका काम ख़त्म हो गया. अब अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड जो है उसने जो है सेल को पूरा हाईजैक कर लिया है, उसने सेल को टेक ओवर कर लिया है और वो नए वायरस प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनवा रहा है. तो यानी कि ढेर सारे नए वायरसेस के बनने का जो रॉ मटेरियल है वो तैयार हो रहा है. नॉट रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, राइट. मेन कंपोनेंट है ही क्या, प्रोटीन्स चाहिए और न्यूक्लिक एसिड चाहिए, तो वो जो है इसके अंदर बन रहा है. फोर्थ स्टेज, अब जो है जो वायरस प्रोटीन्स इसके अंदर मैन्युफैक्चर हुआ था सेल के अंदर और न्यूक्लिक एसिड, वो जो है अब नए वायरसेस के फॉर्म में जो है असेंबल हो जाता है. एंड देन द फाइनल स्टेज, जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है वो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करवा देते हैं लाइज. ओके, तो इस प्रोसेस में पूरा सेल जो है अब डिस्ट्रॉय हो जाता है और कई सारे नए वायरस जो है वो अब दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए फ्री हो जाते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू नो लाइक रन अ सिमुलेशन जिसके जरिए हम लोग जो है इस लेफ्ट पैनल में देखेंगे कि कैसे जो है बैक्टीरियोफेज वायरस जो है lytic वायरस उसका सॉरी lytic साइकिल उसका कैसे चलता है. फोकस ऑन दिस रीजन. So basically you can copy this table here. You can use the information presented in this table to apply your statistical knowledge and make an analysis. तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इस टेबल को कॉपी कर सकते हैं. ग्राफ जो है वो क्या दिखा रहा है कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हेल्दी सेल्स का नंबर कैसे नीचे आ रहा है, इन्फेक्टेड सेल्स का नंबर कैसे जो है ग्रेजुअली राइज करता है और फिर नीचे आता है, बट इवेंचुअली सारे जो है सेल्स वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बस एक ही नंबर है जो लगातार बढ़ता जाता है. एंड वॉट इज दैट नंबर,
दैट्स द नंबर ऑफ वायरसेस राइट। तो बेसिकली आपको जो है ये टेबल ले रहा है और इस टेबल का यूज करके जो है आपको ये ग्राफ जो है वो तैयार करना है। सो दैट इज वन एक्टिविटी दैट यू कैन ट्राई एंड देन वी विल हैव सम क्वेश्चंस। सो वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियोस एंड ट्राई रिस्पॉन्डिंग टू दीज क्वेश्चंस। अब अगर आपने इन क्वेश्चंस का आंसर कर लिया है तो लेट्स चेक द आंसर्स। राइट, तो इन करेक्ट आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस को देखने के बाद आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो गई हो और वायरस के बारे में खास करके जो है लाइटिक वायरसेस का जो अंडरस्टैंडिंग आपका है वो बेहतर हो गया हो। ओके, सो लेट्स एंड द सेशन हियर। थैंक यू।